आज की प्लेस एड्रेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा दिया मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे पढ़ो क्या कर रहा है कि एंड रिलीज अकथा पार्टिकल मास एम क्यू प्लेस एट द रेस्ट। अगर मैं एक प्लस वाले को रेस्ट में रखता हूँ यू इज इक्वल टू जीरो पे, और इस पर चार्ज भी है, इसका मास एम है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो इस पर तो फोर्स लगने लगेगा यार, ये तो घूमने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। किधर जाएगा भाई, प्लस वाला है तो इधर फील्ड लाइन है, प्लस से निकल के माइनस को जाती हैं, तो ये इधर मूव करने लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में, बराबर है, क्योंकि प्लस वाला है यार। तो यहाँ पे जो फोर्स इस पे लगेगा दैट इज द एम में, और इस पे फोर्स क्यू ई, तो ये एक्सलेशन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम से, जो कि एक कॉन्स्टेंट एक्सलेशन है, मूव करने लगेगा। और जब कभी भी एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होता है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं लगा सकता हूँ पूरे फिजिक्स में कहीं भी, क्या निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फाइनल, इनिशियल एक्सलेशन, टाइम, ये सब निकालने के लिए। अभी क्या पूछ रहा है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी अटेंड द पार्टिकल मूविंग डिस्टेंस वाई। अब ये देखो, ये जब यहाँ से चला था तो इसमें डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ, और ये यहाँ आ गया y पे, क्या यहाँ पे आके ये रुक जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, ये कांस्टेंट एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी v हो गई, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर वेलोसिटी v हो गई, तो देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है, अगर स्पीड चेंज हो गई, तो देयर मस्ट बी वर्क डन बाई द सम फोर्स। तो स्पीड बढ़ी है तो कुछ पॉजिटिव वर्क इस पर हुआ होगा, तो जो वर्क हुआ वही यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। अब कौन वर्क करेगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी इस पर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, और वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, कॉस थीटा जीरो है इसी की डायरेक्शन, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम ए और वाई, और काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो m एक्सलेशन की वैल्यू उठा के लाओ उधर से, क्यू ई अपान एम और मल्टीप्लाइड बाई वाई दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो m ने m को, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली बचा वो बचा क्यू ई वाई, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, क्यू ई वाई दैट इज ए ऑप्शन सही है। तो ये अब कहता है।